60,000 की है। अच्छा फर्स्ट जी, ऑनर है, 90,000 ओनली वन आपको मिल जाने वाला है दोस्तों, आइए फटाफट, देरी नहीं कीजिए। 5,000, 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख के करीब, 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख अगर आपके पास कैश है तो आप बोलेरो अपना बना सकते। एक्सीडेंटल गाड़ी आपको नहीं देंगे, इंजन रिपेयर नहीं देंगे, ऐसा गाड़ी हुआ तो गाड़ी वापस कीजिए, पैसा हम वापस, पैसा रिफंड हो जाएगा। ये आपका फिर डिमांडेबल गाड़ी S2 है। S2 क्या बात है स्कॉर्पियो, S2 का डिमांड तो बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में। तो दोस्तों आप लोग को लेकर आ गया हूँ फिर से सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो शॉप मुजफ्फरपुर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वन सेकंड आप लोग को लेकर आया हूँ कहाँ पे, कारफोर्ट सेल मुजफ्फरपुर के अंदर। और पिछले वीडियो के मुताबिक बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से निकल गई है बैक टू बैक, तो आप लोग को जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर से मैं आ चुका हूँ इसका रखती धूप में आप लोग के लिए लेकर एक और न्यू वीडियो। और हमारे साथ है कारफोर्ट सेल में निरंजन जी, कैसे हैं? अच्छे हैं। और मतलब कि पिछले वीडियो के मुताबिक तो लगभग सभी गाड़ियां निकल गई, ऑलमोस्ट गाड़ियां अच्छा आया है ना देखने में। तो आज की बात करें स्टॉक में क्या क्या स्पेशल होने वाला है स्टॉक में। स्कॉर्पियो, अच्छा आज स्कॉर्पियो बुलेरो काफी है, बहुत सारा स्कॉर्पियो और बुलेरो में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे यहाँ की फैसिलिटी की बात किया जाए तो क्या क्या फैसिलिटी होगा? जैसे फैसिलिटी यहाँ पे कि एक्सीडेंटल गाड़ी आपको नहीं देंगे, इंजन रिपेयर नहीं देंगे, ऐसा गाड़ी हुआ तो गाड़ी वापस कीजिए, पैसा हम वापस, पैसा रिफंड हो जाएगा। चलिए, एक्सीडेंटल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये लिखित रूप में आपको यहाँ पर हमेशा मिलता है कि आपको 90 दिन के अंदर आपको RC ट्रांसफर इंश्योरेंस पॉलिसी करके हम करके दिया जाएगा ना। तो ऑनलाइन ट्रांसफर आपको हो जाने वाली है और फाइनेंस की भी सुविधा है, तो आपका मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहली गाड़ी से बात करें, यहाँ पर बिहार का किंग गाड़ी स्कॉर्पियो, क्या डिटेल होगा इसका? स्कॉर्पियो S8 है। S8 जी हाँ, 2015 मॉडल है, 9,25,000 की, 9,25,000 ओनली ऑन जी। चला कितना होगा ये 65,000 किलोमीटर, 65,000 चला होगा ना। लास्ट इसका फाइनल प्राइस लगभग कितना तक हो जाएगा? अगर आपको छोड़ देंगे ओनली ऑन 8,80 तक, 8,80,000। इस पे डाउन पेमेंट लगभग कितना रहेगा? 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख के करीब लेकर आइए। सिविल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो आपको फाइनेंस हो जाएगी। नेक्स्ट स्कॉर्पियो की बात करें, यहाँ पे ये एक और स्कॉर्पियो बिहार की किंग गाड़ी, ये कौन सी गाड़ी है? ये तो क्लासिक जैसा लग रहा है। BR 33 में आ गया S5। S5 S5 है, 20 मॉडल गाड़ी है, S5 है, लेकिन इसका ग्रिल लगाया गया है क्लासिक, क्लासिक का मॉडिफाइड है। रजिस्ट्रेशन आपको हो गई समस्तीपुर। और मॉडल हो गया, मॉडल 20 मॉडल हो गया, फर्स्ट ओनर हो गया, फर्स्ट ओनर गाड़ी है आपको, 2020 मॉडल S5 है, 13.5 लाख की गाड़ी है, 13.5 लाख जी। चला हुआ कितना है ये आपका? चला हुआ 45 किलोमीटर है, 45,000 45,000 किलोमीटर, 45,000 चला हुआ गाड़ी होने वाला। लास्ट इसका कितना तक छोड़ दीजिएगा अपने दर्शक लोग? आपको 12,90 में छोड़ देंगे, 12,90,000 ओनली वन आपको मिल जाने वाला है दोस्तों, आइए फटाफट, देरी नहीं कीजिए। और कारफोर्ट सेल में आप स्कॉर्पियो अपने घर लेके जाइए। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर दिखाते हैं बोलेरो, मतलब स्कॉर्पियो और बोलेरो का आज स्टॉक बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो आपको आना है कारपोर्ट सेल मुजफ्फरपुर चांदनी चौक के पास और गाड़ी लेके जाना है। एक बोलेरो की बात करें, बोलेरो SLE है, पावर प्लस में, 17 मॉडल है, मात्र 7.5 लाख की गाड़ी, मात्र 7.5 लाख। चला हुआ कितना होगा रनिंग इसका? गाड़ी होगा वही मान ली ना कि 40 से 42 हजार किलोमीटर, 40 से 42 हजार के आसपास चला हुआ है। रजिस्ट्रेशन आपको ये BR 43 हो गया, तो कितना इस पे लगभग डाउन पेमेंट रहेगा बोलेरो लेने के लिए? 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख अगर आपके पास कैश है तो आप बोलेरो अपना बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं, कार सेगमेंट में बोलेरो और स्कॉर्पियो तो आपने देख ही लिया, और काफी छोटी गाड़ी को लेकर आता है। ये कौन सा है? ये काफी लो बजट की गाड़ी आपका है, 2012 मॉडल मैग्ना आई ट्वेंटी हो गई, 2012 मॉडल। चला कितना है रनिंग ये आपका? चला हुआ 72,000 किलोमीटर, 72,000 चला हुआ गाड़ी होने वाला, फर्स्ट ओनर होगा? फर्स्ट नहीं, सेकंड सेकंड है। डिमांड इसका कितना रहेगा? 2,80,000, ओनली 2,80,000। इसमें 1 लाख में छोड़ देंगे, लोन कर दीजिएगा? हाँ लोन हो जाएगी, 1 लाख, अगर 1 लाख लाते हैं तो दे दीजिएगा, दे देंगे। चलिए 1 लाख लेकर आइए और मैग्ना लेके जाइए। स्कॉर्पियो का खचा खच भरा हुआ गोदाम है, तो आपको आना है यहाँ पे कारपोर सेल में और स्कॉर्पियो कोई ना कोई लेके आप चले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी है। मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर बिहार, नॉर्थ बिहार में आपको सबसे बड़ा स्कॉर्पियो का स्टॉक यही देखने को मिला होगा। इसका ये S10 है, S10 हो गया जी, S10 है, फर्स्ट मॉडल गाड़ी है। अच्छा जी, रनिंग जी, रनिंग इसका 62,000 चला हुआ गाड़ी होने वाला है, और अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गया, सारा चीज आपको देखने को मिला है। कितना में छोड़ दीजिएगा? 11,25,000 की गाड़ी है आपको, 10,80 में छोड़ देंगे, 10,80 में छोड़ दीजिएगा। चलिए 10.5 में छोड़ देंगे ओनली ऑन, ये 10.5 में डिस्काउंट करके इस पे लगभग वही 2.5 लाख या 3 लाख के करीब जी डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट गाड़ी आपका बोलेरो ZLX है जी, ZLX पावर प्लस में है, 2017 मॉडल। अच्छा 7,50,000 की गाड़ी, 7,10,000 की गाड़ी, सॉरी 7,10,000 की गाड़ी है, और ये आपको प्राइस यहाँ पे ऑन टेबल बैठने के बाद सेवल रहेगा, ठीक है। व्हाइट कलर आपको बोलेरो हो गया, ठीक है, ZLX हो गया पावर प्लस, ZLX पावर प्लस हो गया, देख सकते हैं बहुत ही वेल मेंटेन की कंडीशन की है। आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखाते हैं इसका, स्कॉर्पियो S10 का, यहाँ पर रिलायबिल्स भी लगा हुआ है दोस्तों,
एस्टन का इंटीरियर आप देख लीजिए दोस्तों, गाड़ी का बहुत ही वेल मेंटेन है, टॉप मॉडल है तो आप जानते हैं कि सारा फीचर आपको स्क्रीन वगैरह सब लगा हुआ है, एंड्रॉइड सिस्टम, पावर विंडो, हर चीज आपको देखने को मिलेगा। टायर भी बहुत अच्छा कंडीशन है, 72% इसका भी टायर बचा हुआ है। और बोलेरो का आपको इंटीरियर दिखाते हैं, तो बोलेरो का भी इंटीरियर बहुत अमेजिंग होने वाला है। बात करें नेक्स्ट गाड़ी की, ये कौन सी होने वाली है? सेलेरियो है। सेलेरियो जी, सेकंड ओनर सोले मॉडल, रजिस्ट्रेशन हो गया गया की जी, है ना। और चला कितना है रनिंग इसका? ये आपका 72,000 किलोमीटर, 72,000 के आसपास। चलिए 72,000 चला हुआ गाड़ी होने वाला, इसका कितना डिमांड कर रहा है? मात्र 3,90,000। 3,90,000 में इस पे लगभग कितना डाउन पेमेंट रहेगा? 1 से 1.5 लाख ना। चलिए सुजुकी की सेलेरियो हो गया, इसका माइलेज वगैरह भी बहुत अच्छा, डीजल होगा ये या नहीं? पेट्रोल पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी है, देख सकते हैं गाड़ी में कोई खर्च नहीं होगा जी। अभी आके लगी है XUV 300 जी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग मॉडल है। अच्छा जी, 2021 मॉडल जी। रजिस्ट्रेशन आपको हो गई दरभंगा की? दरभंगा नंबर रजिस्ट्रेशन हो गई। XUV 300 का भी डिमांड बहुत ज्यादा है, चला हुआ कितना होगा? ये आपका चला हुआ है मात्र 31,000 किलोमीटर, 31,000 ओनली ऑन मात्र। चलिए और कितना में छोड़ दीजिएगा इसको? 9,90,000 के 9.5 लाख में छोड़ेंगे। चलिए 9.5 लाख में आपको छूट जाने वाला है ये XUV 300 महिंद्रा की, देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग गाड़ी होती है, एकदम नीट एंड क्लीन गाड़ी होने वाला है। इंटीरियर वगैरह भी काफी साफ सुथरा है, वेल मेंटेन है। सीट वगैरह भी देख लीजिए गाड़ी का, वेल मेंटेन होने वाला है। चारों पावर विंडो वगैरह, डैशबोर्ड, सब कुछ वेल मेंटेन आपको देखने को मिलेगा, कहीं से कोई स्क्रैच और एक्सीडेंटल की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, 2021 मॉडल फर्स्ट ओनरशिप गाड़ी है। अच्छा, ये आपको 22,000 किलोमीटर चली हुई है, मात्र 22,000। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो गया मुजफ्फरपुर? रजिस्ट्रेशन मुजफ्फरपुर नंबर है। 6,10,000 की गाड़ी है, आपको 5.5 लाख में छोड़ेंगे। चलिए 5.5 लाख में छूट जाएगा वैगनआर ना। नेक्स्ट स्कॉर्पियो की बात करें आप, ये आपको S3 है, 20 मॉडल S3 का डिमांड बहुत ज्यादा है। M2D इंजन है, S3 20 की S3 हो गई महिंद्रा स्कॉर्पियो S3 BR27 रजिस्ट्रेशन। और चला हुआ कितना होगा? ये चला हुआ आपको है 35,000 किलोमीटर चला हुआ, 35,000 के समथिंग चला हुआ गाड़ी होने वाला है। इसका डिमांड कितना कर रहा है स्कॉर्पियो? 11-25 की है। 11-25 जी। लास्टली कितना तक जाइएगा? अगर लास्ट 10,50,000 का इंटीरियर भी काफी अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर, ये डिजायर है पेट्रोल प्लस CNG दोनों, पेट्रोल प्लस CNG जी। 2019 कहाँ की है ये गाड़ी? 2019 मॉडल है, 2019 मॉडल गाड़ी है। कहाँ की रजिस्ट्रेशन? मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, चला हुआ कितना है? ये चला हुआ आपको है आपको 38,000 किलोमीटर, 38,000 चला हुआ। कितना में छोड़ दीजिएगा इसको? आपको 6,90,000 की गाड़ी है, 6.5 में छोड़ देंगे। 6.5 में ये भी आपको छूट जाने वाला है, सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल प्लस CNG जी। चलिए नेक्स्ट गाड़ी की बात करें, नेक्स्ट गाड़ी आपका आपको हो गया 2023 मॉडल ZLX है, टॉप मॉडल 2023 मॉडल, मात्र 3,500 किलोमीटर चली हुई, मात्र 3,500। रजिस्ट्रेशन आपको मुजफ्फरपुर की हो गई, एकदम शोरूम कंडीशन जैसा गाड़ी है। कितना इसका प्राइस रखे हुआ? 11,50,000। 11,50,000 लास्टली, लास्ट 10 में छोड़ेंगे। 10.5 जी। चलिए आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, और ऑन टेबल बैठने के बाद आपको डिस्काउंट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉर्पियो की बात करें, यहाँ पर एक और स्कॉर्पियो जी, स्कॉर्पियो S6 Plus है, 2017 मॉडल, फर्स्ट ओनरशिप गाड़ी है, 11,60,000 की है। अच्छा, फर्स्ट ओनर है, पटना नंबर रजिस्ट्रेशन है, 11,43,000 किलोमीटर चला हुआ है। अच्छा, 11,60,000 दोस्तों, बहुत ही वेल मेंटेन होने वाली है इसका भी। S4 है, 16 मॉडल, 16 मॉडल ओनरशिप गाड़ी है। अच्छा जी, ये चला हुआ कितना? ये आपको 72,000 किलोमीटर चला हुआ है। 72,000 जी। कितना इसका फाइनल प्राइस? 9,90,000 की है, आपको 9,35,000 छोड़ देंगे ओनली ऑन जी। चलिए ये आपको हो गया स्कॉर्पियो S4 हो गई, देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल वेल मेंटेन कंडीशन की होने वाली है। आपको इस पर फाइनेंस हो जाएगी, 2.5 से 3 लाख लेकर आइए, लोन आपका हो जाने वाला। ठीक है, यहाँ पर बोलेरो देखिए, बोलेरो की लाइनअप लगी हुई है, एक दो मतलब बोलेरो स्कॉर्पियो आज आपको मैंने सबसे ज्यादा दिखाया है। इसका क्या डिटेल होगा जी? बोलेरो आपका 2019 मॉडल फर्स्ट ओनरशिप गाड़ी है, 7,50,000 की है। 7,50,000 पावर प्लस SLE, पावर प्लस SLE हो गए, एकदम न्यू जैसा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट बोलेरो की बात करें, यहाँ पे एक और, ये नेक्स्ट आपका 2020 मॉडल BS6 में आ जाएगा, फर्स्ट ओनरशिप गाड़ी, 8,20,000 की है। 8,20,000 लास्ट इसका कितना प्राइस रहेगा? 27,000 किलोमीटर चली हुई है, ये आपका 8-20 की गाड़ी है, और आपको 7.5 में छोड़ देंगे। 7.5 में छोड़ दीजिए। चलिए ये भी रही दोस्तों बोलेरो, टायर इसका देखिए दोस्तों, एकदम न्यू जैसा टायर लगा हुआ है, एकदम शोरूम कंडीशन जैसा टायर। ये आपका फिर डिमांडेबल गाड़ी S2 है। S2 क्या बात है स्कॉर्पियो, S2 का डिमांड तो बहुत ज्यादा है भाई लोग। कौन सा ओनर है? 15 मॉडल और फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर 15 मॉडल है भाई लोग, ये गाड़ी बहुत जल्दी निकल सकते हैं। ठीक है, 9-25 की आपको 8.5 में छोड़ देंगे। 8,50,000 8.5 में आपको छूट जाने वाली है स्कॉर्पियो S2, और देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल वेल मेंटेन है। इंटीरियर वगैरह भी आपको दिखाना चाहूंगा, S2 का तो डिमांड आप जानते हैं कितना ज्यादा। ठीक है,
टायर से लेके हर चीज आपको न्यू जैसा देखने को मिलेगा। ये आपका होंडा का WRV है। WRV जी, अच्छा। 2019 मॉडल फर्स्ट ओनरशिप गाड़ी है। 35,000 किलोमीटर मात्र चली हुई है। और आपको ये 7.5 लाख में छोड़, 7.5 लाख की गाड़ी आपको 6.5-7.5 तक छोड़ देंगे। 6.5 तक छूट जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट, देरी नहीं कीजिए दोस्तों। यहाँ पर गाड़ियों की कमी नहीं है, सभी गाड़ियों पे आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है। तो फटाफट देरी नहीं कीजिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल कीजिए और गाड़ी को बुकिंग डालिए और कारपोर्ट से मुजफ्फरपुर के अंदर आइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।